उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम तक ऑपरेशन पूरा होने की संभावना है। अब तक 50 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी, आज शाम तक ऑपरेशन पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें अब तक 50 मीटर तक काम पूरा हो चुका है, तो ड्रिलिंग मशीन लगातार काम कर रही है और ऐसे में अभी तक 50 मीटर तक ड्रिलिंग हो गई है और शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि मजदूर बाहर आ जाएंगे, काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेचर के माध्यम से रस्सियों के सहारे स्ट्रेचर को खींचा जाएगा और जो मजदूर इसमें फंसे हुए हैं 41 मजदूर, उनको बाहर निकाला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आई है, सामान प्रिपरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो समय तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो सर जो लोहा वगैरह फंसा हुआ था वो क्या निकाल? वो सब तो निकाल गया है। तो आज उम्मीद है सर शाम तक अच्छी खबर आने की? बिल्कुल, कोशिश है हमारी जी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी बात की। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। पीएम ने सुरंग में फंसे श्रमिकों की स्थिति की जानकारी ली गई है। तो सीएम धामी से जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। आपको बता दें पीएम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्रमिकों के बाहर निकलने पर खास व्यवस्था की जाए, अस्पताल और घर भेजने की बेहतर व्यवस्था की जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि वो जो टनल है उसके बाहर 41 एम्बुलेंस भी तैनात हैं, जैसे ही श्रमिक बाहर निकलेंगे उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो पीएम ने सुरंग में फंसे श्रमिकों की स्थिति की जानकारी सीएम धामी से ली। पीएम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्रमिकों के बाहर निकलने पर खास व्यवस्था की जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया और कहा गया कि अस्पताल और घर भेजने की भी बेहतर व्यवस्था की जाए। उत्तरकाशी में टनल से मजदूरों को निकालने का डेमो, पाइप में स्ट्रेचर डालकर डेमो किया गया। मजदूरों को सुरंग से निकालने की एक्सरसाइज भी की गई। तो ये देखा गया कि क्या मजदूर सही सलामत उस पाइप से निकल आएंगे स्ट्रेचर के माध्यम से या नहीं, इसको लेकर पहले ही डेमो किया गया। मजदूरों को सुरंग से निकालने की एक्सरसाइज दरअसल की गई। सुरंग से ऐसे ही निकाले जाएंगे मजदूर, पहले स्ट्रेचर जब डाला जाएगा उस पर उनको लिटाया जाएगा, रस्सियों के माध्यम से उन स्ट्रेचर्स को खींचा जाएगा। ये देखिए, ये इसी माध्यम से ऐसे ही जो मजदूर फंसे हैं उनको निकाला जाना है। तो टनल से मजदूरों को निकालने के लिए डेमो किया गया और यहां पर एक्सरसाइज की गई है। ये देखिए, ये पाइप जिसमें जिसके जरिए जिसके माध्यम से होते हुए जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो फंसे हुए हैं वो निकलेंगे, उनको खींचा जाएगा रस्सियों के सहारे। ये देखिए, ये जो रेस्क्यू की टीम है वो उनको खींचेगी और उसके बाद इसी तरह से जो मजदूर हैं वो बाहर निकलेंगे। तो उससे पहले डेमो किया गया, देखिए किस तरीके से लोग खींचते हुए वो स्ट्रेचर को दिखाई दे रहे हैं।